सो हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे जैसा नाम लिख सकते हो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि किस टाइप का नाम, तो आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम आईडी पर जाके मेरा। तो यहाँ पर जैसे कि गाइस देख सकते हो, यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है एसके एडिट। यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो एसके लोगों के नीचे, यहाँ पर जो देख सकते हो इस फॉन्ट में लिखा हुआ है एसके एडिट। तो मुझे बहुत सारा लोग बहुत दिन से, ठीक है, एक दिन से नहीं बहुत दिन से कमेंट कर रहा था कि भाई तूने ये लिखा कैसे, इतना मतलब इतना बड़ा बड़ा फॉन्ट और भी कलरिंग फॉन्ट के साथ। तो बहुत लोगों ने लिखा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही लिखा हूँ, बहुत लोगों ने लिख के रखा है। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई तूने कैसे किया है, तो हम लोगों को भी दिखा दे। तो गाइस और एक बात, मुझे इंस्टा पर फॉलो भी कर लेना, ये मेरा आईडी है देख सकते हो। तो आप लोगों को चलिए मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगा, तो उस एप्लीकेशन का नाम है फैंसी की। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ, एंड आप लोग प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो फैंसी की, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ अलाउ मांगेगा, ठीक है। तो आप लोगों को अलाउ कर देना होगा, यहाँ पर जैसे देख सकते हो स्विप टू फैंसी कीबोर्ड, तो यहाँ पर क्लिक करना है, फैंसी कीबोर्ड पर क्लिक कर देना है। कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा आप लोगों के सामने भी, तो जो भी आएगा आप लोगों को अलाउ कर देना है बस। तो यहाँ पर ओपन हो गया, तो सिंपली मैं बैक कर देता हूँ, एंड बैक करने के बाद मैं चला जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जहाँ पर भी आप लोग किसी को टाइप करके भेजना चाहते हो इस टाइप का फॉन्ट से लिख के, तो भी कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप लोग किस तरीके से यहाँ का जो नेम है कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर, मतलब इसी चीज़ के ऊपर मुझे कमेंट आया था ज़्यादा, तो इसी चीज़ के ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर एडिट प्रोफाइल, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो मैं इसको कट कर दूंगा, पहले यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। तो देखो मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार लिख देता हूँ जैसे लिखा था मैं। तो आप लोगों को उसके लिए पहले जाना पड़ेगा यहाँ पर इस ऑप्शन में, फॉन्ट का देख सकते हो ये सेटिंग का ऑप्शन है, तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आप लोगों को। और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि थीम्स चेंज कर सकते हो आप लोग, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, इमोजी स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा। तो आप लोग देख लेना क्या आप लोग रख सकते हो, थीम क्या रखोगे, एमओजी कैसा रखना है आप लोगों को। लेकिन आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ फॉन्ट के बारे में, तो चलो फॉन्ट के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर कूल फॉन्ट में गया, और यहाँ पर देख सकते हो गाइस बहुत सारा आप लोगों को स्टाइलिश फॉन्ट मिल जाएगा, बहुत सारा, ठीक है। सिर्फ जो फॉन्ट से मैं लिखा हूँ यहाँ पर वो वाला फॉन्ट नहीं आप लोगों को, उससे भी अलावा यहाँ पर लगभग यहाँ पर 50 से ऊपर फॉन्ट मिल जाता है। तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारा फॉन्ट है। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे आना है, नीचे आना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पर देख सकते हो ये वाला फॉन्ट गाइस, ये जो वाला फॉन्ट है यहाँ पर देख सकते हो ये वाला फॉन्ट, ठीक है, ये वाला। तो इस वाले फॉन्ट को आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है, मतलब ओके कर देना है, ठीक है। तो ओके कर दिया हूँ, एंड अब मैं लिखूँगा एस के एडिट। तो यहाँ पर मैं एस लिखता हूँ, और जब मैं के लिखूँगा देख सकते हो ये फ्लैग हो गया एक, ठीक है। तो आप लोगों को किस तरीके से करना है मैं बता देता हूँ, मतलब ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को फेस होगा। तो आप यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ इसको, तो देख सकते हो मैं पहले से फिर से लिख रहा हूँ एस। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली एक स्पेस देना है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी गाइस, ये वाला स्पेस का ऑप्शन है। तो आप लोगों को स्पेस देना है आप लोगों को एक बार। तो यहाँ पर मैं पहले से फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, एस लिखा, उसके बाद एक स्पेस दिया, उसके बाद के लिखा, देख सकते हो अब के आ गया है। अगर आप लोग स्पेस नहीं दोगे तो आप लोगों का कोई भी फ्लैग आ जाएगा। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को एक स्पेस देना होगा, जो भी लिखो आप लोग एक स्पेस रखना ही होगा। तो एस के लिख दिया हूँ, अब एडिट लिखूँगा, तो एक स्पेस दे देता हूँ ये, उसके बाद फिर से यहाँ पर स्पेस देना होगा एक। तो आप लोग जो भी लिखो बस स्पेस देकर लिखना होगा, एक एक फॉन्ट एक एक वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लिख दिया, ऊपर से मैं डन कर देता हूँ, तो हो गया है। तो आप लोग अगर चाहो तो किसी को मैसेज भी कर सकते हो। सो गाइस मान लो जैसे कि ये वाला ग्रुप, तो इस वाले ग्रुप में यूज़ नहीं करता हूँ, आप लोग बोलोगे कि भाई अपने ग्रुप में ऐड कर लो, ये तो इसके ग्रुप है। तो ये मेरा ग्रुप नहीं है, बस यूं ही मैं यहाँ पर क्रिएट किया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मुझे कुछ लिखना है यहाँ पर, जैसे कि हाई लिखना है, तो एच पर क्लिक किया, उसके बाद स्पेस दिया, उसके बाद आई कर दिया, तो उसके बाद सेंड कर दिया। देख सकते हो ये वाला फॉन्ट जैसे कि सेंड हो गया है हाई लिख के, कितना बड़ा बड़ा। तो आप लोग चाहे तो और भी फॉन्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो मैं फॉन्ट पर जाऊँगा और यहाँ पर कूल फॉन्ट में जाऊंगा, कोई भी स्टाइल आप लोग चूज़ करते हो तो बहुत सारा स्टाइलिश यहाँ पर फॉन्ट आप लोगों को मिलेगा। जैसे कि मान लो ये वाला मैं चूज़ कर लिया, और यहाँ पर लिखूँगा हेलो, ठीक है, तो जैसे तो हेलो लिखा हो गया है। तो आप लोगों को सिर्फ ये वाला फॉन्ट, ये जो वाला फॉन्ट देख सकते हो, तो इसी वाले फॉन्ट में आप लोगों को सिर्फ एक स्पेस स्पेस देकर लिखना है,
और यहाँ पर जो भी कुछ फॉन्ट है आप लोग स्पेस नहीं देना है, सिंपली आप लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब स्पेस देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो वाला फॉन्ट में आप लोग को स्पेस देना होगा ही होगा, स्पेस नहीं दोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये वाला फॉन्ट, इस वाले फॉन्ट को आप लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, इसमें ले सकते हो। अब आप लोगों का मर्ज़ी, आप लोग किसी को मैसेज टाइप करना चाहते हो, हाँ कहीं पर नाम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो मैं भी कुछ इस तरीके से ही किया था और सब लोग भी इसी तरीके से करता है। सो गाइज, इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ, तो आप लोग चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, उसके बाद जैसे मैं दिखाऊँ कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना गाइज, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर देना थोड़ा फोन। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।